Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. If you are watching our channel for the first time and you have not subscribed to this channel, do subscribe it. Press on the bell icon so that you may have notifications of the latest videos that we have uploaded on our YouTube channel. We are discussing perfect tenses. In the previous lecture, we discussed past perfect tense. Past perfect tense एक बड़ा important tense है. उसके अंदर जो दो हिस्सों में फिकरात थे, जहाँ पे दो action verbs use हुए होते हैं, वो बड़े अहम हैं. एक का जो translation है, वो past perfect में होना है, दूसरे का past indefinite में होना है. हमने उसकी detailed exercise की थी. उम्मीद है आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा, उसकी practice कर ली होगी. Today tense. परफेक्ट टेंसेस का हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? एक ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में, आज के वक्त के बाद कहीं बाद में, मुस्तकबिल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा और मुस्तकबिल में कहीं शुरू होगा. और इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर. और इट इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड और प्लान टू हैपन बिफोर ए टाइम ऑफ रेफरेंस इन द फ्यूचर. यानी वक्त का हवाला आमतौर पर इसमें होता है. आमतौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ऐसे दो हिस्सों में होता है, या वक्त उसमें दिया होता है कि जी कल तक वो ये काम कर चुका होगा, दो महीनों तक वो अपनी कमाई खर्च कर चुका होगा, या इसी तरह का कोई और काम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा. यानी दो हिस्सों वाले सेंटेंसेस भी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे. यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए, इस तरह के वर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. टाइम रेफरेंस आमतौर पर इसके साथ लाजमी होता है. जैसे आई विल हैव स्पेंट ऑल माय सेविंग्स बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, या अगले महीने इस वक्त तक मैं अपनी जो सेविंग्स है वो खर्च कर चुका हूँगा. हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से शेल हैव और विल हैव. शेल और विल इस टेंस में ज्यादातर यूज होते हैं. शेल हैव, विल हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड. आई हुई के साथ शेल आना है, बाकी सबके साथ जो है वो विल हैव यूज होना है. उर्दू के फिक्र आपके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे वगैरह यूज होता है. ये जो अभी आपको दो हिस्सों वाले सेंटेंसेस की बात की, अगर फिक्र दो हिस्सों पर मुश्तमल हो तो इसमें जो दूसरे हिस्से का तर्जमा है वो शेल है, विल है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगा के होना है. और पहले हिस्से का जो ट्रांसलेशन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में, यानी पास्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट में होना है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा के होना है. और आप जानते हैं इसको हम कर चुके हुए हैं, उसके साथ एस ई एस या आई एस का इजाफा हम करेंगे. तो पास्ट परफेक्ट की तरह इसमें भी ये जहन में रखें कि जो दो हिस्से हैं, उधर क्या होता है, एक हिस्से का तर्जुमा जो है वो पास्ट परफेक्ट में और एक का पास्ट इंडेफिनेट में. यहाँ पे एक हिस्से का ट्रांसलेशन करना है आपने फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरे हिस्से को आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करना है. अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम उसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं. तो अब हम इस टेंस में यूज होने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में, जो मस्बत फिकरात होते हैं, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव, यानी शेल हैव या विल हैव बन जाएगा फिर, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. और नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस नॉट प्लस हैव, यानी शेल और हैव के दरमियान में नॉट आने, शेल नॉट हैव, विल नॉट हैव, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल बस शुरू में आ जाएगा, शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन. और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, यानी शेल आई नॉट हैव, शेल वी नॉट हैव, विल ही नॉट हैव, इस तरह से, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमने ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस किए जहाँ पे एक ही कोई एक्शन हो रहा होगा, जहाँ पे कोई दो हिस्सों वाला फिकरा होगा. तो मैंने आपको बता दिए कि वहाँ एक ही सेकंड ट्रांसलेशन तो ऐसे हो जाना है, प्लस उसके साथ जो है वो सेकंड प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट आ जाएगा, वह फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस ई एस वगैरह आ जाएगा. यानी
वो इसके एंड पे वो चीज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली ऐड कर लेनी है। अभी हम इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ऐसे कई सेंटेंसेस आ जाएंगे जहाँ पे ये सिंगल एक ही होगा और जहाँ पे जो है वो दो दो पार्ट्स होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये वाले सेंटेंसेस देखें जहाँ पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा होता है। अब ये एक सेंटेंस है कि मैं ये खत लिख चुका हूँगा, तो आई शेल हैव रिटन दिस लेटर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और अगर शी होगा तो शी विल हैव रिटन दिस लेटर, वो ये खत लिख चुकी होगी। और अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर देखें और उसके मुताबिक उसको हमने लिख दिया, आई शैल नॉट हैव रिटन दिस लेटर, दे विल नॉट हैव रिटन दिस लेटर। तो कोशिश होती है कि ये एग्जाम्पल जब आपको कराई जा रही हो तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपको यूज करके उनके साथ हेल्पिंग वर्ब एलेबरेट कर दिया जाए। ये हेल्पिंग वर्ब की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमने टेंसेस के स्टार्ट के ऊपर लेक्चर वो दिए हुए हैं, तो 2-3 लेक्चर्स हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हुए हैं, बाद में ज्वाइन किया है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी लाजमी देखिए। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो शैल और विल स्टार्ट पे आ जाएगा। शैल हैव रिटन दिस लेटर, विल यू हैव रिटन दिस लेटर, कि क्या मैं ये खत लिख चुका हूँगा, क्या तुम ये खत लिख चुके होगे, और क्या मैं ये खत नहीं लिख चुका हूँगा, शैल आई नॉट हैव रिटन दिस लेटर, और वाई शैल बी नॉट हैव रिटन दिस लेटर, अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए तो हम ये खत क्यों नहीं लिख चुके होंगे, तो वाई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। और कौन ये खत लिख चुका होगा, हु विल हैव रिटन दिस लेटर, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। ये एग्जाम्पल्स कुछ आपको बता दिए जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा उतर रही है। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को जेब में रख के हमने फिक्रे बनाने हैं, यानी ये एक डायरी है, ये फॉर्मूले हैं जो हमने सामने रखने हैं और इसके मुताबिक हमने ट्रांसलेशन करनी है। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले जरा मिक्स सेंटेंसेज ही होंगे, आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, देखिए दो काम हो गए, तो दूसरे ही से का ट्रांसलेशन, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड, वो हमने शेल हैव लगा के विल हैव लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट की तरह वही बिफोर आफ्टर वेन वगैरह लगा के, डॉक्टर के आने से पहले बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब देखें ये सिंगुलर है और कम के बाद जो है वो एस लग गया, ये हिस्सा जो उर्दू में पहले वो यहाँ बाद में ट्रांसलेट होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा सेंटेंस देखें, अली के आने से पहले हम नमाज पढ़ चुके होंगे, वी शैल हैव ऑफर्ड द प्रेयर बिफोर अली कम्स। फिर है कि तुमने इनाम हासिल करने की कोशिश नहीं की होगी, विल नॉट हैव ट्राइड टू विन द प्राइज, ये सिंपल है, तुमने इनाम हासिल करने की कोशिश नहीं की होगी, यू विल नॉट हैव ट्राइड टू विन द प्राइज, किसान अपने खेतों में हल चला चुका होगा, द फार्मर विल हैव प्लाउड हिज फील्ड्स, उसने अभी तक काम खत्म नहीं किया होगा, विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क टिल नाउ या येट। और नेक्स्ट है कि वो अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा होगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल येट और टिल नाउ। फिर आगे, क्या तुम सूरज निकलने से पहले नहा चुके होगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम सूरज निकलने से पहले नहा चुके होगे, विल यू हैव टेकन ए बाथ बिफोर द सनराइज, इकट्ठा सनराइज यानी सूरज का तुलू होना, या बिफोर द सनराइजेज, उस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के, क्या हमारे आने से पहले तुम काम ख़त्म कर चुके होगे, विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर वी कम और अराइव, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद है, क्या सूरज ग्रूब होने से पहले वो खाना खा चुका होगा, विल ही हैव टेकन फूड और मील बिफोर सनसेट या बिफोर दी सनसेट सीन, उसी तरह से सनसेट कर लें ग्रूबे आफ्ताब या दी सनसेट सीन कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसे अब तक गाड़ी नहीं मिली होगी, ही विल नॉट हैव गॉट द ट्रेन टिल नाउ और येट। फिर है, क्या परिंदे अपने घोंसलों में जा चुके होंगे, विल द बर्ड्स हैव गॉन टू देयर नेस्ट्स। फिर है, जहीन लड़की पर्चा ख़त्म कर चुकी होगी, द इंटेलिजेंट गर्ल विल हैव फिनिश्ड द पेपर, क्या उसने चांद देख लिया होगा,
विल ही हैव साइटेड द मून? आपके आने से पहले मैं किताब खत्म कर चुका हूँगा. आई शैल हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर यू कम और अराइव. क्या दर्जी मेरे कपड़े रफू कर चुका होगा? विल द टेलर हैव डार्न्ड माय क्लोथ्स? डार्न रफू करना. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आग बुझाने वाले इंजन के आने से पहले दुकान जलकर राख हो चुकी होगी? जलकर राख होना, टू बर्न टू एशेज ना. विल द शॉप हैव बर्न टू एशेज? एशेज कहते हैं राख को. बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्स? कुमक आने से पहले दुश्मन किला पर कब्जा कर चुका होगा. द एनिमी विल हैव कैप्चर्ड और ऑक्यूपाइड द फोर्ट बिफोर द सकर अराइव्स? सकर कहते हैं हेल्प को, कुमक को, जो मदद मिले. मालक मकान के आने से पहले हम ताले तोड़ चुके होंगे. वी शैल हैव ब्रोकन द लॉक्स बिफोर द लैंडलॉर्ड अराइव्स? बरसात शुरू होने से पहले माली नए पौधे लगा चुका होगा. द गार्डनर विल हैव प्लांटेड फ्रेश प्लांट्स बिफोर द रेनी सीजन सेट्स इन. फिर पुलिस के आने से पहले हजूम मुंतशर हो चुका होगा. द क्राउड विल हैव डिस्पर्स्ड बिफोर द पुलिस अराइव. ये कलेक्टिव नाउन है पुलिस, और इसको प्लूरल में यूज़ करना है आपने हमेशा. लड़के भिकारन का मजाक उड़ा चुके होंगे. द बॉयज विल हैव मेड फन ऑफ द बैगर वुमन. नेक्स्ट सेंटेंस है, मदारी तमाशा दिखा चुका होगा. द जगलर विल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द फीट. डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश हो चुका होगा. द पेशेंट विल हैव फेंटेड या लॉस्ट द सेंसेस बिफोर द डॉक्टर कम्स. डॉक्टर के जाने के बाद मरीज होश में आ चुका होगा. द पेशेंट विल हैव गेन्ड हिज सेंसेस आफ्टर द डॉक्टर लीव्स. वो अक्टूबर तक अपने नुकसान की तलाफी कर चुका होगा. ही विल हैव मेड गुड द लॉस टिल अक्टूबर. फिर प्रिंसिपल साहब ने बगैर किसी सिफारिश के गरीब लड़के की फीस माफ़ कर दी होगी. द प्रिंसिपल विल हैव रिमिटेड द फी ऑफ द पुअर बॉय विदाउट एनी रिकमेंडेशन. बैंक से पैसे निकलवाने की तारीख गुजर चुकी होगी. द डेट ऑफ विदड्रॉइंग द मनी फ्रॉम बैंक विल हैव पास्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या उसने हमें जुबानी पैगाम भेज दिया होगा? विल ही हैव सेंट अस द वर्बल मैसेज. करप्शन ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया होगा. ऐसे ही होता है, सारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे करप्शन का ही सारा चक्कर है. द करप्शन विल हैव रूइंड द इकॉनमी ऑफ द कंट्री. उनकी गलत पॉलिसियों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया होगा. Their wrong policies will have taken the country to the edge of destruction. अब हम exercise next, ये positive sentences की है, ये करते हैं. Exercise starts with the sentence. वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा. He will have locked the door. हम संदूक का कुफल खोल चुके होंगे. We shall have unlocked the box. मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी. The laborers will have gone on strike. क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे. The clerks will have called the strike off. और वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे. They will have completed their work. इस इज्तमा में कई मुल्कों ने हिस्सा लिया होगा. Several countries will have taken part or participated in this gathering or meeting. अच्छे खिलाड़ी इनामात हासिल कर चुके होंगे. गुड प्लेयर्स विल हैव वॉन द प्राइजेज. बागबान क्यारियाँ तैयार कर चुका होगा. द गार्डनर विल हैव प्रिपेयर्ड और मेड फ्लावर बेड्स. और सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी. सलीम विल हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर. हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर चुके होंगे. आवर फ्रेंड्स विल हैव वेटेड फॉर अस. और तुमने मजीद की सिफारिश कर दी होगी. यू विल हैव रिकमेंडेड मजीद. मैं जमात को इम्तहान के बारे में सब कुछ बता चुका हूँगा. आई शैल हैव टोल्ड दी क्लास एवरीथिंग अबाउट दी एग्जामिनेशन. लड़के मुकाबले के मुतालिक सब कुछ जान चुके होंगे. दी बॉयज़ विल हैव लर्न्ड और कम टू नो.
learned or come to know everything about the competition. Zeba अपनी सहेली को राज बता चुकी होगी. Zeba will have disclosed or opened or told the secret to her friend. सवार घोड़ों से उतर चुके होंगे. The riders will have alighted from or dismounted from the horses. Next exercise हमारी negative sentences की है. अब negative sentences में उन्होंने ये गलती नहीं की होगी. They will not have made or committed this mistake. वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा. He will not have taken or received pay or salary. और मैंने तुम्हारा खत नहीं खोला होगा. I shall not have opened your letter. उस्ताद ने तालिबे इल्म को बैद नहीं लगाए होंगे. The teacher will not have canned the students. स्टूडेंट आने हमने उनके सवालात के जवाब नहीं दिए होंगे. We shall not have answered their questions. कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा. No passenger will have boarded the bus. रंग साज ने दरवाजों को रंग नहीं किया होगा. The painter will not have painted the door. बेड़े अभी चर नहीं चुकी होंगी. The sheep will not have grazed yet or till now. और गवाले ने भैंस का दूध नहीं निकाला होगा. The milkman will not have, negative में, will not have milked the buffalo. गांव वालों ने अपनी मदद आप नहीं की होगी. The villagers will not have helped themselves. वो जुलूस में शामिल नहीं हुए होंगे. They will not have joined the procession. बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया होगा. The cook will not have cooked or prepared the food or meal. वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे. They will not have read the newspaper. डाकिया मेरा खत नहीं लाया होगा. The postman will not have brought my letter. उसने गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाया होगा. He will not have made fun of the poor man. Next हमारी exercise interrogative sentences की है. ये last exercise है हमारी इस tense में. क्या engineer इस नक्शे को मंजूर कर चुके होंगे. Will the engineers have approved this map. गांव वालों ने गांव को कैसे सजाया होगा. How will the villagers have decorated the village. क्या बशीर ने इस्तीफा दे दिया होगा. Will Bashir have resigned. और गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका होगा. Who will have thrown a stone at the car. दीवाने ने किताबें कहाँ जलाई होंगी. Where will the madman have burnt the books. मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे. Where will the passengers have stayed last night or yesternight. क्या औरतों ने ये गीत पसंद किया होगा. Will the women have liked this song. उसने खत कब डाक में डाला होगा. When will he have posted the letter. क्या उसने इल्ज़ाम मानने से इनकार कर दिया होगा. तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं होगी. Will he have denied the charge. Will he have denied to accept the charge. Postmaster ने डाकखाना कब खोला होगा. When will the postmaster have opened the post office. क्या मजदूर स्कूल में सफेदी कर चुके होंगे. Will the laborers have whitewashed the school. क्या चौकीदार ने मकान की हिफाजत की होगी. Will the watchman have looked after the house. और क्या उन्होंने अफसर का हुक्म माना होगा. Will they have obeyed the officer. क्या तुम मेरे मशवरे पर अमल कर चुके होगे. Will you have acted upon my advice. उसको ये हादसा कहाँ पेश आया होगा. Where will he have met this accident. अब ये काफी लंबी चौड़ी सारी एक्सरसाइज है. इसको करें हल. इसको नोट करें. इन सेंटेंसेस को अपने हाथ से गुजारें. इसके अलावा और भी सेंटेंसेस कोशिश करें. जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज मिक्स प
परफेक्ट एक्सरसाइज होगी, हमने परफेक्ट टेंसेस के जो ये तीन किए हैं टेंस, हमने इसकी मिक्स एक्सरसाइज करनी है। आप लोगों को ये फाइल जो मैंने अभी लेक्चर आपको ये दिया है, इसकी ड्रॉपबॉक्स फाइल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, यू कैन डाउनलोड इट एंड वॉच दैट फाइल, उसमें से आप सेंटेंसेस को नोट कर सकते हैं। इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इनको शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, अपने वक्त को ज़ाया मत करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।